ये बताइए कि मीडिया क्या है? मीडिया क्या है जी? आ बैल मुझे मार, दिस इज मीडिया। जिसने इस पूरे सर्वे में भाग लिया है वो आधी आबादी कह रही है कि हमें नरेंद्र मोदी ही बतौर प्रधानमंत्री चाहिए, 22% राहुल गांधी को अपने पीएम के तौर पर देखना चाहते हैं, जो 1,36,000 लोग इस सर्वे में शामिल हुए हैं उनमें से। Not bad. Now you. देखिए, मुझे लगता है कि यशवंत देशमुख जैसे हमारे जो साथी हैं, और ये एक नया पैटर्न मोदी नामा पढ़ने का है, इस तरह के सर्वेज लाकर। बात तो सही है। 2 महीने की सरकार, 2 महीने में 4 बिल वापस हो गए, और आप देखिए मोदी साहब का ग्राफ बढ़ रहा है। 1.5 लाख वोट से हारते हारते बचे हैं बनारस में, लेकिन 52% लोग कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जुम करो। पहले इन नंबर्स को करीब से देख लीजिए, क्योंकि ये नंबर्स ये इशारा कर रहे हैं कि 6 सीटों का फायदा एनडीए को हो रहा है, तो वहीं 1 सीट का नुकसान इंडिया गठबंधन को हो रहा है, 11 सीट अन्य की तरफ। यानी एनडीए की झोली अभी भी प्रबल दिखाई दे रही है। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? मैं तो धन्यवाद करूंगा यशवंत देशमुख जी का, ये अभी भी 400 पार का नारा क्यों नहीं लगा रहे? इनको लगाना चाहिए। हरियाणा में बैठा हूं मैं, हरियाणा में इन्हीं के सी वोटर ने, इन्हीं ने टीवी पर बैठ के कहा था कि हरियाणा में बीजेपी की 83 सीट आ रही, 90 में से आई थी 40, और इस बार तो पूरा हिंदुस्तान का मीडिया 400 पार का नारा लगा रहा था बीजेपी के साथ साथ। क्या वो 400 पार हो गया था? भक्तजनों, कैसे हो सालो? आजादी के बाद से अब तक के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के तौर पर लोगों के दिमाग में है। 1,36,000 से ज्यादा लोगों ने में से आधे से ज्यादा लोगों ने वोट, 52% लोगों ने नरेंद्र मोदी को दिया है। शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। एक सवाल लिया कि बेस्ट पीएम कौन है, और अंजना जी आपने भी दोनों बाहें फैला कर कह दिया। अरे भाई, जो व्यक्ति 1966 में चला गया, बाहें फैला के क्या होता है सर? तुलना आज के प्रधानमंत्री से कर रहे हैं। कुछ भी बोलते हैं आप बयान, प्यारी समझ गई। मैं फिर कहूंगा, दोनों बाहें फैलाकर कहना एक मुहावरा है, और उसमें कहीं कोई आपत्तिजनक नहीं है। वापस आता हूँ, जिन लोगों ने इंदिरा जी की डेथ के बाद जिनका जन्म हुआ, वो कितनी परसेंटेज है देश के अंदर? 1984 के बाद आज यंगेस्ट नेशन है। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप मुझे बताइए, 145 करोड़ लोगों का आपने मूड भांप लिया केवल 1.25 लाख लोगों से बात करके, और मोदी जी की बल्ले बल्ले कर दी आपने। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के शो चलाए जाते हैं। मुझे सख्त आपत्ति है कि भारतीय लोकतंत्र और वोटर्स का अपमान है पूरी तरह से। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि हरियाणा में, महाराष्ट्र में चुनाव है, मोदी जी की इज्जत तो बचानी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ नहीं है, ये केवल और केवल साइकोलॉजिकल आई वॉश है, और पूरी तरह से लोगों को भ्रमित करने का एक ये शो है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। प्रोपेगेंडा नए शब्दों, नई भाषा की डिजाइन का शातिर खेल होता है। टीवी के जरिए आपकी धारणा को, सोच को, आपके दिमाग में छवि को नियंत्रित किया जा रहा है। ये मीडिया गोदी मीडिया है।